आप सभी का अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल उन्होंने और आप देख रहे हैं ऑयल पिस्टल से पेंटिंग कैसे करते हैं। तो देखो, ये ऑयल पिस्टल से मैंने पूरा पोर्ट्रेट बनाया है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और आपके साथ में ड्राॅइंग भी करूँगा। तो देखो, आँख जो कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं पर्पल ले रहा हूँ और ये यहाँ पे हम ऑयल पेस्टल पेंसिल्स जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपको ये ऑयल पेस्टल्स जो होती है बोल्ड वाली चौक की तरह, चौक से ऑयल पेस्टल चौक, तो इनको काट कर भी आप वो इफ़ेक्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही कभी भी डायरेक्ट ब्लैक यूज़ मत करो। मैं भी नहीं करता वो, आप देखोगे तो पूरा जब तक पोर्ट्रेट नहीं होता है तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ जो कलरिंग अभी कर रहा हूँ इस चीक के ऊपर बहुत ही कम टोन है, मतलब एकदम ना के बराबर, ऐसा हल्का सा शेडिंग है कलर का। तो इसे भी हमें क्या करना है, जो प्रेशर टेक्निक है, मतलब जो पेंसिल से हम प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ हम प्रेशर कंट्रोल करते हैं शेडिंग के वक्त, तो वही टेक्निक से यहाँ पर ये ऑयल पेस्टल हल्के हल्के से यूज करो तो देखो एकदम हल्का टोन आएगा। और बाद में उसको आप कॉटन की सहायता से समझो या ईयरबड ले लो, इससे आप ब्लेंड कर सकते हो। तो इसको ऐसे ब्लेंड कर देना है। देखो, बाल भी मैंने बनाए यहाँ, तो ये पूरे बालों में आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक अभी तक नहीं यूज़ किया है, क्योंकि ब्लैक अच्छा है। जितना आप ब्लैक करोगे उससे डीपनेस आता है, मतलब डीप जो भी चीज़ होगी वो दिखेगी। हाइलाइट्स ब्लैक के कारण उठ कर आएंगे, डार्क कलर के कारण उठ कर आएंगे, तो वो हमें लास्ट में करना है डार्क, ठीक है। लेकिन तब तक हमें कॉन्फिडेंस भी रखना है, पेशेंस भी रखना है। ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, बीच में हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स को आने नहीं देना है, अपने ऊपर पूरा विश्वास रख के इसको पूरा करना है। तो यहाँ देखो, अभी ये लगभग मैंने जो बेसिक टोन थे वो तो सभी डाल दिए, लेकिन ये टोन जब तक अच्छे नहीं तब लगेगे, तब तक बैकग्राउंड में कुछ चीज़ ना आए, बैकग्राउंड भी हमें करना है इसी के साथ। दोस्तों, ये जो पोर्ट्रेट मैंने बनाया है, ये पोर्ट्रेट को बनाने के लिए पूरा मुझे 1.5 दिन लगा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं ईयरबड से ये ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं कॉटन भी ले सकता था, लेकिन क्या है दोस्तों, ये आर्ट चीज़ ऐसी है, यहाँ पर हम बहुत सारी प्रैक्टिस से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंड, अगर बड़ा होता ब्लेंडिंग टूल मेरे पास तो मेरा जल्दी हो जाता। और हर चीज़ हमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, जिस चीज़ को थोड़ा सा हम फील देकर, मतलब कलर देकर उसका फील ला सकते वैसे करो। ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे तो आपका बहुत समय उसमें जा सकता है। तो देखो, हर एक चीज़ आराम आराम से मैं यहाँ ब्लेंड कर रहा हूँ। अगर हो सके, समझो ये फ्लावर है तो पिंक, रेड और वाइट से भी हम ये कर सकते हैं, यहाँ ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख रहे हो अभी ये पोर्ट्रेट कैसा बन गया है। और अभी इसमें मैंने क्या किया है कि ऑयल कलर का यूज़ किया है, क्योंकि ये ऑयल पेस्टल्स है, इसके ऊपर वाटर कलर तो चलेंगे नहीं, क्योंकि आईब्रोज बनाना था और ये आई लैशेज बनाना था। तो जो पलके होती है ये बनाने के लिए, अगर मैं इनको मोटे वाले चौक से बनाता तो ये कभी बनती नहीं और ड्राइंग भी गंदा होने के चांसेस बहुत रहते थे। तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हो, देखो मैंने ऐसा किया है कि ऑयल पेस्टल पर मैंने ऑयल कलर्स यूज़ किए हैं आई लैशेज के लिए, क्योंकि आँखों में अगर सुंदरता आ गई आपके ड्राइंग वाले पेंटिंग में, आपके ड्राइंग में, तो वो आपका चित्र बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि आँखें पहले कैच करती है, आप देखते हो। रियल लाइफ में भी वो होता है और आपके पेंटिंग में भी वही होता है। तो देखो, अभी मैंने आँखों के लिए एकदम आराम आराम से, और हाथ के नीचे आप एक वाइट शीट ले लेना है क्लीन वाली, ताकि आपके हाथों का कलर, हाथों का मैल आपके पेंटिंग को ना लगे। हाथ बार बार घिसने से पेंटिंग भी गंदा हो सकता है। मेरे गुरु भी यही करते थे, उनसे ही मैं ये सीखा हूँ कि हाथ के नीचे पेपर लेना है। अभी ये पेंटिंग लगभग मेरा पूरा हो गया है, तो मैं
इसका जो साइड में टेप लगा था वो निकाल दूंगा, और निकालने के बाद देखते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखो। और सच में ये पेंटिंग बनाने के बाद मुझे भी सेटिस्फेक्शन बहुत आया, और जैसे सबको लगता है मुझे भी ऐसे लगता था बनते बनते जो फीलिंग्स आती है निगेटिव, लेकिन बनने के बाद देखा मैंने बहुत अच्छा लगने लगा है। तो आपको अगर ये पेंटिंग अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।